YouTube चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईदास किचन एंड ब्लॉगिंग। तो गाइस, होप करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए खोए वाले खीर की रेसिपी लेके हाजिर हूँ। तो बगैर किसी देरी के लिए खोए वाली खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और उसके तो गाइज आप लोग देख सकते हैं पतीले के अंदर मैंने आधा पतीला जो है वो भर के पानी शामिल किया है और उसके बाद मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 प्याले जो हैं मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है और अच्छी तरीके से जो है वो दूध को गाढ़ा कर लिया है। दूध जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर मैंने हसब ज़रूरत आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 प्याला चीनी शामिल किया है। खीर जो है वो ही अच्छी लगती है तो मैंने चीनी शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद तो गैस मैं अब आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने 2 कप चावल जो है वो अच्छी तरीके से धो के एक प्याले के अंदर अच्छी तरीके से भिगो लिए थे। अब चावल जो अच्छी तरीके से भीग गए हैं और दूध भी जो है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है, तो अब इसके अंदर मैंने चावल को हाथ से अच्छी तरीके से पहले मैश कर लिया है और मैश करने के बाद दूध के अंदर शामिल कर दिया और दूध को हल्की आँच पर जो है वो मैं पकाती गई हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छी तरीके से मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया है। दूध जो है वो अच्छी तरीके से नीचे जो सट वगैरह नहीं जाए, जैसे ही खीर जो है वो गाढ़ी होने लगेगी फिर इसमें मैं खोया वगैरह लगाऊंगी, बादाम पिस्ता वगैरह लगाऊंगी। आप लोगों को पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, तब तक के लिए बस आप लोग ऐसे ही मेरी रेसिपी में बने रहें। तो गैज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं अब इसके अंदर जो है खीर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो गाढ़ी हो गई है, पक गई है। अब इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रही हूँ। खोया जो है वो अच्छी तरीके से मैंने फैला के शामिल कर दिया है और उसके बाद मैंने कटे हुए बादाम पिस्ता और खोपरे वगैरह शामिल किया है, उसको शामिल करके अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं मिट्टी की कटोरी वगैरह लेके आई हूँ, उसके अंदर मैं खीर वगैरह डाल के अच्छी तरीके से जमाऊँगी और ऊपर से थोड़ा सा बादाम पिस्ता लगाऊँगी। आप लोगों को पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कटोरी वगैरह जो है वो मैं अच्छे तरीके से पानी से निकाल लिया है एक दफ़ा डालकर। अब मैं इसके अंदर खीर जैसी रेडी हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म हो रही है, जैसी ठंडी हो जाएगी मैं एक एक करके जो है वो कटोरी के अंदर। तो गाइस अब आप लोगों को बताते चलूँ कि एक एक करके मैंने मिट्टी की प्याली ले ली है और उसके अंदर खीर वगैरह डाल के ऊपर से थोड़ा सा बादाम पिस्ता वगैरह लगा के इसको जमाने के लिए रख दिया है। आप लोग अपने घर में ज़रूर खोए वाली खीर बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में खोए वाली खीर कैसी बनी। मैं यहीं पे अपनी रेसिपी को एंड करूंगी। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। 2K सब्सक्राइबर जो है वो कम्प्लीट करना है। जल्द से जल्दी मैंने सारी जो है वो प्याली वगैरह रेडी कर ली है। मुहर्रम भी आ रहा है तो आप लोग अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करें और फातिहा वगैरह करना हो तो फातिहा वगैरह भी कर लें बनाकर। जैसे आपका दिल चाहे आप लोग वैसा करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तब तक के लिए बस मुझे इजाजत दें, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग लेके बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।